हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुचर्चित बरकत का अपहरण कर राजफास, प्रेम प्रसंग के चलते पति पत्नी ने मिलकर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। हत्या के प्रकरण में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। दिनांक 16 जुलाई 2021 को सुबह प्राति रज्जाक खां पुत्र श्री गफूर खां जाति मोयला मुसलमान निवासी मर्दर हार बिलमान ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि मेरे चाचा बरकत खां पुत्र साकू खां निवासी मर्दर हार बिलमान जो दिनांक 15 जुलाई 2021 को सुबह करीबन 10 बजे घर से अपना टेम्पो RJ 24 PA 947 लेकर रिपेयर करने का बोलकर निकले थे, जो दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटे तो घर वालों ने मोबाइल पर संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला। तब भिनमाल में आसपास के इलाकों में तलाश करते हुए नरता गांव के रोड पर बरकत खां का टेम्पो लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला, परंतु बरकत खां का पता नहीं चला। ग्रामीणों से हमें जानकारी मिली कि बरकत खां का किसी ने अपहरण कर लिया है वगैरह। रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 342/21 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण का राजफास श्याम सिंह पुलिस अधीक्षक जिला जालौर ने बताया कि डॉक्टर अनुकृति उज्जैनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालौर व शंकरलाल पुलिस उप अधीक्षक वृत्त भिनमाल को सुपरविजन में उक्त वारदात का पर्दाफाश करने हेतु श्री दूलीचंद निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना भिनमाल व अरविंद कुमार थाना अधिकारी पुलिस थाना राम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिस पर उक्त पुलिस टीमों द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार अपने अपने टारगेट के अनुसार खोज व अनुसंधान कर CCTV फुटेज अपहरत बरकत खां की CDR तकनीकी सहायता गुप्त जानकारी प्राप्त की गई। तो CCTV फुटेज व CDR एवं तकनीकी सहायता से बरकत खां के द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2021 को वक्त 11 बजे के आसपास अपनी टैक्सी में एक महिला व महिला के साथ छोटे बच्चे के साथ जाना ज्ञात हुआ, जिस पर पुलिस टीम द्वारा CCTV फुटेज में दिख रही महिला व बच्चे की पहचान करने का प्रयास किया गया एवं गोपनीय जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि उक्त CCTV में दिख रही महिला गलबाराम की पत्नी है। गलबाराम व उसकी पत्नी की तलाश करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि घटना के बाद फरार है एवं अहमदाबाद में है। तब श्री दूली चंद्र पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी भिनमाल को मैं पुलिस टीम अहमदाबाद भिजवा कर संदिग्ध गलबाराम चौधरी व उसकी पत्नी श्रीमती हरिया देवी को दस्तयाब कर थाना भिनमाल लेकर आए, जिनकी पूछताछ से ज्ञात हुआ कि गलबाराम की पत्नी श्रीमती हरिया देवी का बरकत खां के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता हरिया देवी के पति गलबाराम को चलने पर गलबाराम द्वारा हरिया देवी के साथ मिलकर बरकत खां को जान से मारने की योजना बनाई। तय योजना के तहत दिनांक 15 जुलाई 2021 को आरोपी गलबाराम भिनमाल आया व अपर्त बरकत खां की रेकी की 10 AM के करीब जैसे ही गलबाराम ने बरकत खां को अपने टेम्पो के गैरेज पर ठीक करवाते देखा, आरोपी गलबाराम ने फोन से अपनी पत्नी श्री हरिया देवी को भिनमाल बुलाया। आरोपी की पत्नी हरिया देवी भिनमाल आने पर गलबाराम द्वारा समझाकर बरकत खां के पास टेम्पो पर भेजा। हरिया देवी बरकत खां के पास जाकर अपने टेम्पो से अपने घर खानपुर छोड़ने के लिए कहा तो करीबन 11 बजे के आसपास बरकत खां टेम्पो से गलबाराम की पत्नी व छोटे बच्चे को खानपुर बेरे पर छोड़ने के लिए गया। पीछे पीछे गलबाराम भी मोटरसाइकिल पर चल दिया। आरोपी ने बरकत खां के अपने घर पहुंचते ही बरकत खां को अपने घर खानपुर में पीछे से पकड़ लिया व गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद गलबाराम ने अपहर्त का टेम्पो लेकर सरहद नरता में आया। वो टेम्पो नरता सरहद में खड़ा कर बरकत खां का मोबाइल पास के खेतों में फेंक दिया। वो स्वयं भिनमाल से होते हुए अपने घर खानपुर बेरे पर चला गया। उसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेत में ही लकड़ियां से लाश को जला दिया। जली लाश के अवशेष राख आदि अगले दिन स्वयं के कुएं में फेंक दिए एवं अहमदाबाद चले गए। उसके बाद पूछताछ के बाद श्री गलबाराम व श्रीमती हरिया देवी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की पूछताछ व इत्तलानुसार कुएं से लाश के अवशेष, खेत से लाश के अवशेष तथा नरता के खेतों में से मृतक बरकत खां का मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ से मृतक श्री बरकत खां के मौजा पावली में आटा चक्की थी एवं श्रीमती हरिया देवी का पीहर भी मौजा पावली में था। उसी समय से हरिया देवी व बरकत खां के आपस में जान पहचान व प्रेम प्रसंग था। प्रकरण में मुलजिम श्री गलबाराम व श्रीमती हरिया देवी से अनुसंधान व पूछताछ जारी है। यह रहे मुलजिम। गलबाराम पुत्र श्री लखा जी जाति कलबी उम्र 40 साल निवासी खानपुर पुलिस थाना भिनमाल व श्रीमती हरिया देवी पत्नी श्री गलबाराम जाति कलबी उम्र 35 साल निवासी खानपुर पुलिस थाना भिनमाल जिला जालौर। यह रही पुलिस टीम।
शंकरलाल पुलिस उप अधीक्षक वृत्त भिनमाल, दूलीचंद निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी भिनमाल, अरविंद कुमार निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना राम सिंह, पुलिस थाना बागोड़ा, पुलिस लाइन जालोर का SPO जालोर व पुलिस थाना भिनमाल का जाप्ता। जागरूक टीवी के जालोर से खास रिपोर्ट।